नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव फोरम। मैं हूं अंकिता मिश्रा। पठान 4 साल बाद जब रिलीज हुई, शाहरुख खान पर्दे पर आए तो उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ कमाई होनी शुरू हो गई। 5 साल के बाद बॉलीवुड ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 70 करोड़ की कमाई दूसरे दिन भी पठान ने की, जिसके बाद ये फिल्म देश में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब वही दूसरी ओर जहां पठान का लोग विरोध कर रहे थे, तो कई लोग इसकी कामयाबी के बाद पठान का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं जावेद अख्तर की बात करें तो जावेद अख्तर ने बायकॉट ट्रेंड पर भी बोला और शाहरुख खान का समर्थन भी किया है। बायकॉट ट्रेंड पर बोलते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि ये ट्रेंड ज्यादा चलने वाला नहीं है। और वही दूसरी ओर शाहरुख खान का समर्थन जब उन्होंने किया तो कहा कि शाहरुख खान एक सज्जन व्यक्ति हैं, धर्म निरपेक्षता के मामले में शाहरुख खान सबसे ऊपर हैं, शाहरुख से ज्यादा कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, मैं उनके घर के माहौल को जानता हूं और वो जिस तरीके से सभी त्योहारों में शामिल होते हैं शायद ही कोई कलाकार उस तरीके से शामिल होता हो। अब वही दूसरी ओर हमने आपको प्रोग्राम के जरिए कंगना रनौत का भी बयान सुनाया था, अनुराग कश्यप का भी बयान सुनाया था। पठान की कामयाबी के बाद कैसे विरोधी अब उसकी समर्थन में आने शुरू हो चुका है, उनके समर्थन में आने लगे हैं और शाहरुख खान का खुल करके समर्थन कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं। ऐसे में शाहरुख और उनके फैंस इस पूरे मामले में कैसा रिएक्ट करेंगे वो आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जब ये पठान रिलीज नहीं हुई थी, केवल ट्रेलर ही इसका लॉन्च किया गया था और जब पोस्टर लॉन्च किया उस वक्त तक पठान कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा था, या यहाँ तक कि मेकर्स ने भी पठान का समर्थन नहीं किया था, वो भी विरोध के बाद सामने नहीं उतरे थे, ना ही उन्होंने प्रमोशन किया, जिसके बाद जिम्मा उठाया था खुद शाहरुख खान ने। वो ट्विटर पे आए, लोगों के साथ बातचीत की, उनसे अनुरोध किया कि वो इस फिल्म को देखने जाए, जिसके बाद जब थिएटर में ये फिल्म लॉन्च हुई, जब रिलीज हुई तो उसके बाद लोगों का हुजूम टूट पड़ा। और अगर हम बात करें इस वक्त की टिकट के मामले में, तो टिकट इस वक्त भी पठान की मिलनी मुश्किल है, ऐसे लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं कई जगहों पर पठान को लेकर के ये भी खुलासा किया गया कि केवल पठान की टिकटों को खरीद लिया गया है, थिएटर्स में लोग नहीं हैं। जब इसके मामले में बातचीत की गई, कई लोगों से इस बारे में रिव्यू लिया गया, तो उनका भी मिला जुला रिएक्शन सामने आया। कई लोगों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि पठान की टिकटें तो ले ली गई हैं, मगर फिल्म थिएटर्स में लोग नहीं जा रहे हैं, वहां पर जो माहौल है भीड़भाड़ का माहौल नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कई तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि पठान काफी सुपर हिट ऊपर हिट गई है। ये दो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है जो पठान के बारे में काफी समर्थन जुटा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी विरोधियों के नजर पे है पठान फिल्म, अभी भी उसका विरोध किया जा रहा है। वहीं फर्जी टिकट को खरीदने का मामला भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के लोग ही पठान की फर्जी टिकट खरीद रहे हैं, थिएटर्स को बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो गलत पेश किए जा रहे हैं। इस पर कई टीवी चैनल्स भी बात कर रहे हैं, कई जगहों कई बड़े बड़े एक्टर्स, कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसके बारे में आवाज उठाई है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या फर्जी टिकटें सच में खरीदी जा रही हैं, क्या सच में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो गलत है, इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मगर कई लोगों का ये दावा किया है कि पठान की टिकटें फर्जी खरीदी गई हैं। फिलहाल अगर आप फिल्म देख कर आए हैं तो हमें इस बारे में अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप जिस थिएटर में गए वहां सीट्स फुल थी या फिर वहां पर भी फर्जी टिकटों का कोई सीन जारी है।